पहले आपको हमेशा हम लोग दिखाते हैं हाई एंड टीवी बड़े साइज 65 इंच 55, जारी बात इनके फीचर ज़्यादा होते हैं तो इसके रेट प्राइसेस भी हाई होती हैं। लेकिन आज जो हम आपके टीवी लेके आए हैं वो बेसिक टीवी हैं, एंड्रॉयड टीवी भी हैं 32 इंच में, इसकी प्राइस इकोनॉमिकल होती है। और 32 इंच जो नॉर्मली जो है वो बेडरूम के लिए लगाया जाता है या बच्चों के कमरे में, या CCTV कैमराज के लिए भी यूज़ किया जाता है, ऑफिस में भी लगाया जाता है। तो हमारे पास ये मुख्तलिफ रेंज अवेलेबल है, साइज़ 32 ही होगा लेकिन डिफरेंट कंपनीज हैं, हायर है, आईटेल है, और इसी तरह इसके अलावा इसमें ओरिएंट के हैं, TCL है, मल्टीनेट है। इसमें दो तरह के आ रहे हैं टीवी, सिंपल और एंड्रॉयड, और इसके अलावा एक बॉर्डर के साथ और एक विदाउट बॉर्डर फुल स्क्रीन में। ये दो वराइटीज़ ही चल रही हैं 32 इंच में हर कंपनी की। और इसमें होता है कि पहले जो है बड़े साइज में भी आता था सिंपल टीवी, लेकिन अब कोई कंपनी नहीं दे रहा, सिर्फ 32 इंच में ही अवेलेबल है। तो आज आपको हम 32 इंच दिखाएंगे, आपके लिए कौन सा बेटर हो सकता है, किसमें क्या फीचर्स हैं, आपके लिए क्या ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, सब दिखाएंगे। और किस टीवी में क्या क्या खसूसियत है, दूसरी कंपनी से क्या मुख्तलिफ है, आज हम वो सब भी डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते, हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, आए आपको सारे टीवी दिखाते हैं हमने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, होपफुली खैरियत से होंगे। आज जैसे आपने देखा ही है, हमने आपको मुख्तलिफ टीवी दिखाए हैं, सब सेम 32 इंच में और मुख्तलिफ कंपनियों के हैं। आज उनके फीचर्स आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे, रिकमेंड करेंगे आपको कि कौन सा मॉडल किस कंपनी का बेटर है, किस में ज़्यादा चीज़ें हैं एक्स्ट्रा ऐसी कि आपको उस पर जाना चाहिए। वैसे तो सब कंपनियों के जितने भी 32 इंच हैं उन सब में सेम एक चीज़ कॉमन है कि सब HD रेडी हैं, फुल HD को सपोर्ट करते हैं, बट खुद जो है वो फुल HD नहीं होते, कोई भी ब्रांड नहीं ले रहा। कुछ अर्से पहले मतलब तकरीबन दो तीन साल पहले की बात है कि सोनी में एक मॉडल आता था फुल HD में, फर्स्ट टाइम लिया था, उसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो हम अगर बात करते हैं इन सब जितने भी हमने ब्रांड देखे हैं, इनमें सबकी पिक्चर क्वालिटी जो है सेम रेजोल्यूशन की है, सब एंड्रॉयड हैं, लेकिन कुछ आपको अगर सिंपल चाहिए हो बग़ैर एंड्रॉयड के तो वो भी अवेलेबल होते हैं। प्राइस का डिफरेंस जो है तकरीबन हर कंपनी का 10,000 का होता है, सिंपल का और एंड्रॉयड का। सबके अंदर आपकी मेमोरी होती है, अपनी डाउनलोडिंग कर सकते हैं, रैम वगैरह नॉर्मल जो बड़े टीवी होते हैं उनसे कम ही होती है, 1.5 GB 1 GB इतना होती है, और उसके अलावा जो मेमोरी होती है वो मोस्टली 8 GB में ली जाती है। इसकी अगर हम बात करते हैं बाकी फीचर्स के हवाले से, तो कनेक्टिविटी में HDMI, USB ये सब चीज़ें दी जाती हैं जी। कनेक्टिविटी में हम अगर बात करें मज़ीद, तो USB के अलावा इसमें HDMI तो होती है, जिसके साथ आप अपनी कंप्यूटर को एज अ मॉनिटर इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, TV को, और कैमराज CCTV जो कैमराज होते हैं वो अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ TV होते हैं जिसके अंदर स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन होता है, जिससे आप मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर लेते हैं वाईफाई डायरेक्ट के थ्रू, इसीलिए मतलब TV का जो है वो एंड्रॉयड होना ज़रूरी नहीं होता। तो एंड्रॉयड के बगैर भी जो है आपके मोबाइल की स्क्रीन शेयर हो जाती है, तो आप उसके ऊपर इंटरनेट या जो भी चीज़ चलाएंगे मोबाइल पर उसकी स्क्रीन आप ले लेते हैं अपने LED पर। इसके अलावा कनेक्टिविटी में इसमें आ जाता है आपके जो 32 इंच में कुछ कंपनीज अभी दे रही हैं, इसमें VGA केबल होती है मॉनिटर के लिए यूज़ करने के लिए, क्या बोलते हैं PC के साथ या अपने लैपटॉप के साथ अटैच कर सकते हैं, तो ये भी कुछ ब्रांड ये ऑप्शन देते हैं। इसमें हम और इसके फीचर्स के हवाले से बात करते हैं, तो इसके अंदर और हमारे कंपनियों में डिफरेंट ऑप्शन दिए जाते हैं, हर कंपनी की अपनी कुछ क्या कहते हैं कि बेसिक होम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिससे पिक्चर क्वालिटी का थोड़ा फर्क पड़ता है। हम अगर बात करते हैं जो आपको बताने लगे थे कि रिकमेंड करने के हवाले से, वो मल्टीनेट की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि जो डिश TV के लिए आप लोग रिसीवर लेते हैं, डिश आपका लगा हुआ है और उसके लिए एक रिसीवर चाहिए होता है, जिसके अंदर हम लोग कनेक्ट करते हैं अपनी वायर और फिर चैनल को स्कैन किया जाता है। इसके अंदर आपको वो डिवाइस नहीं लेनी पड़ती अलग से, इसके अंदर पोर्ट है जो भी आपको दिखा दिया जाएगा, तो इस पोर्ट के अंदर आप डायरेक्ट वो वायर लगाते हैं और डिश के जो चैनल हैं वो आप स्कैन कर सकते हैं। ये एक ऐसा फीचर है जो कोई और ब्रांड नहीं दे रहा, किसी भी और ब्रांड में नहीं है,
तो ये एक अच्छा और डिफरेंट फीचर है कि जो डिश टीवी यूज़ करना चाह रहे हैं उस यूज़र के लिए है। और दूसरी एक और चीज़ जो है अहम वो ये है कि इसके अंदर आपके डॉल्बी ऑडियो जो साउंड के हवाले से है वो 32 इंच में जो है दूसरे बैंड नहीं देते, मोस्टली इको स्टार देता है या फिर मल्टीनेट देता है, इस हवाले से भी अच्छा हो जाता है। और दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि ये फुल स्क्रीन में है। मल्टीनेट में बेसिकली आपको ज़्यादा फीचर मिल रहे हैं और प्राइस सबसे इकोनॉमिकल है अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी ब्रांड्स के साथ, फुल स्क्रीन टीवी और डॉल्बी ऑडियो के साथ और एंड्रॉयड फुली प्रॉपर एंड्रॉयड है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आजकल लोग मार्केट में बात करते हैं कि जी ये फुल एंड्रॉयड है ये फुल एंड्रॉयड नहीं है, इसमें चीज़ें चलती हैं नहीं चलती, इसका कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है एंड्रॉयड है। आप यूट्यूब वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन वगैरह भी इसके अंदर। इसके नंबर पर वारंटी इसकी 2 साल है, कंपनी की ऑथेंटिक वारंटी होती है, कोई भी इशू होता है डैमेज ना हो आपसे और चले नहीं, इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप उसको कंपनी से क्लेम करा सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतनी थी, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।